गाइस आज मेरे यहाँ देखिए कैसी रोटी बन रही है। ये कैसी दीदी, दिखाओ जरा हमें भी रोटियाँ। यार तंदूरी रोटी बन रही है मेरे न्यू स्टाइल से। क्या हम लोगों ने प्लेन रोटी बनाने के लिए रखा था, लेकिन दीदी तंदूरी रोटी बना रही है। 12 बजे तक की सेक ली जाएंगे। न्यू स्टाइल से लो, रोटी छूट गई। कढ़ाई गरम हो गई होगी दीदी। आज सब लोग यही रोटी खाएंगे। क्या हुआ दिखा। ओ अच्छा, ये है तंदूरी रोटी। और ये सेकने में कितना टाइम लगेगा दीदी? वैसे ही बनाओ। अब ऐसी बनाई जाएगी रोटियां, यू स्टाइल से। आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों न्यू स्टाइल से रोटियां बनाते हैं। ये हैं रोटियां, ऐसे रखो, बीच में आंच लगेगी। ये आज धनिया और बेसन और आटा, अजवाइन और नमक, ये सब मार के आटा बना हुआ है जो कि रोटी बनाई जाएंगी। अभी रोटी बन रही है, वैसे देखे जा, ये तो बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई रोटी, देखो। आज दी ने सोचा कि रोटी ऐसे बनेगी, तो हमने कहा ठीक है ऐसे रोटियां बनाई जाए। फोन रिसर्च करेंगे। अब फोन में सर्च की जाएंगे, तन्वी को बुला जाए। तन्वी फोन कहाँ है? मम्मी का फोन, मम्मी का कहाँ है? ये जा रहे हैं फोन लेने के लिए। फोन कहाँ है? ये है फोन। अब इसमें देखी जाएगी, इस फोन में देखा जाएगा कि रोटी तंदूरी कैसे बनती है। तो बनने जा रही है। लो दीदी, दीदी देखो, दीदी देखो, ये तंदूरी रोटी बन रही है। ये तंदूरी रोटी बन रही है। जला डाले रोटी पकड़ के। किसने कहा? ये रोटी का क्या हालत कर दी। कृष्णा क्या कर रहे बेटा? अरे 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 दीदी, प्लेन रोटी बनाए, मनोज सब भूखे रहेंगे। इन्हें बहुत शौक है घर के काम करने में, पढ़ाई करने में बिल्कुल। मुझसे पूछा लगा यार, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है इसका। मैं पढ़ाई में बताओ अभी कह दूं, मैं तुरंत पढ़ाऊं। इनके सर कह चुके हैं कि मैं तुमसे भी ला चुका हूँ तन्वी, ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। डीएम बन जाओ अभी, ये लोग पढ़ने नहीं देते मुझे। ब्लॉग खराब कर कर कैसे अपलोड करो ये। अरे दीदी तंदूरी रोटी कढ़ैया के ऊपर की कढ़ैया के नीचे, घरेलू सर्च कर रहे हैं हम लोग। जिंदगी बर्बाद हो गई। रेस्टोरेंट स्टाइल नान रोटी। इंडियन फूड के अंदर ब्रेड्स की बहुत अहमियत है। अरे वैसे मत, वैसे नहीं करना। लो दाल मखनी आ गई, दाल मखनी बनेगी। दीदी इसको चाहिए 10 से 15 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद हम बनाएंगे नान, मटर नान और गार्लिक नान। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे अब हम छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और एक बार फिर से इसे हम, ये तन्वी बना रही हैं रोटियां। और आज के जो खाना है वो है दीदी, अगर तंदूरी रोटी बनेगी तो बनेगी, वरना सिंपल ही रोटी बेसन डाल के एकदम धनिया उनिया। और आज बहुत अच्छा खाना बनेगा, क्योंकि आज ये है आलू जो कि ओवन में हम लोगों ने भूजने के लिए रख दिए हैं। सिस्टर जी आपने टाइम देखा? और बड़ा अच्छा लगा। और ये है सब सामग्री जो कि भरते में डाली जाएगी। और चटनी नहीं, अभी नहीं पड़ी ना। और ये है चटनी, ये देखिए, ये है खटाई, धनिया और मिर्चा और टमाटर, इनकी सबकी बहुत टेस्टी है। और एक रोटी हम अपने लिए,
ये है चने की सब्जी जो कि बन चुकी है। क्यों मार रही हो, क्यों आटे का खेल कर रही हो दीदी? रोटी हाँ, बनेंगी कि नहीं आज? हाँ, ओपन फ्लेम के ऊपर रोटेट करना है एंड आसानी से निकल आएगा, ये बन गई रोटी एंड इट इज डन। चाची का फोन मैंने तुरंत ये वाला ब्लॉग डिलीट कर देंगे। बस हो गया। तो गाइस बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था तो आज व्लॉग बनेगा। ये रोटियां बन चुकी है दीदी, अधिकच्ची रोटी बनी है, ये आप सबको दिखाते हैं अधिकच्ची रोटी जो कि दीदी ने तंदूरी बनाई है, तंदूरी मक्खनी। मम्मी तंदूरी रोटी नहीं बन रही करिए, चढ़ाए फोन तो देख रहे हैं दीदी। बना जल्दी, भूख लगी है, तंदूरी रोटी डाल दे। अच्छा मन किसका करा था तंदूरी खाने का? नहीं मेरा नहीं कर रहा था, बट खाएंगे, मन नहीं कर रहा था लेकिन खाएंगे। ये है रोटी बना रही है। ये तो कुछ काम करती हूँ, दिन भर फोन पकड़े घूमती रहती हूँ। सबको एक चीज दिखाते, ये तंदूरी रोटी बन चुकी है। आप फ्री टाइम में तंदूरी रोटी बनाना सीखेंगे हम लोग। गरम है सब्जी, ठीक है फिर रान दो, फिर ना उठाइयो। सो अब प्लेन रोटियां बनेंगी। तो गाइस रोटी मतलब बन चुकी है और अब मैं खाना ले आई हूँ, क्योंकि मैं पूरी ब्लॉग नहीं शूट करना चाहती थी रोटी का, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। और मैं आपको खाना दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट, सब फेवरेट फेवरेट है। ओके सो आपको दिखाती हूँ। ये है रोटी जो कि तंदूरी बननी थी बट बन नहीं पाई, और ये चने की सब्जी, और ये आलू और प्याज मिर्चा धनिया, और ये है खटाई की चटनी, माय फेवरेट करेला एंड मिर्चा भरा हुआ जो कि मेरे फेवरेट, पूरी पूरी थाली में फेवरेट खाना बना होता है जो भूख बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टीवी, क्योंकि टीवी के बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ चाय, और मैं क्योंकि मुझे सीरियल से सीरियल नहीं देखने हैं, बट माय फेवरेट मुझे साउथ इंडियन की मूवी बहुत पसंद है, इस वजह से पहले मैं साउथ इंडियन की मूवी लगाऊंगी, फिर मेरे पेट में एक नवल मतलब खाना जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा मेरे पेट में। सो गाइस एक्चुअली मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, इन्होंने बोला कि चलो बाहर खाना खाने चलते, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ मेरा खाना खाने का बाहर, मैंने कहा घर में ही बनाएंगे रोटी। तो मैंने फिर मैंने अपनी पसंद की रोटी बनाई। पहले आटा लिया, फिर उसमें बेसन डाला, फिर धनिया मैंने काटी फटाफट, और फिर उसके बाद अजवाइन और नमक भी डाला, और फिर उसको गूँथ लिया आटे को। और फिर उसके बाद पहले तो तंदूरी रोटी बननी थी, लेकिन तंदूरी रोटी नहीं बन पाई, इस वजह से प्लेन रोटी बन गया। सो गाइस मैं खाना खा लेती, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा नहीं, ये कभी मेरे साथ खाना खा ही नहीं पाते, क्योंकि इनकी टाइमिंग बिल्कुल अलग रहती है मुझसे, इस वजह से। सो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ओके गाइस मैं कल का पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है इस टाइम मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा सही नहीं रहती है, मेरी और इनकी दोनों की तबीयत नहीं सही, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं आ पा रहे। तो एक्चुअली क्या है, व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ फिर एंड नहीं हो पाता वीडियो का, इस वजह से। तो मैंने सोचा कल व्लॉग मैंने शूट किया था, आज है नेक्स्ट डे है, तो मुझे आज इसका एंड कर देते हैं व्लॉग का, क्योंकि फिर मुझे एडिट करके अपलोड भी करना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद एक्चुअली हो भी रहा है मेरा व्लॉग शूट। तो क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मेरे सिर दर्द से मैं बहुत ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे सिर दर्द मेरा बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। दवाई लाती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ, जितने दिन मेडिसिन चलती उतने दिन बस सिर में दर्द मतलब बंद रहता है, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मेरे से दर्द हो रहा है। तो सो गाइस मैं यहीं पे अपने कल का जो व्लॉग मैंने शूट किया था उसका मैं नेक्स्ट डे मतलब आज मैं इसका एंड कर रही हूँ। ओके सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके
सो बाय गाइस, एंड नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होती है। कल का व्लॉग इसलिए नहीं शूट हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं खाना खाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इस वजह से बस मन कर रहा था बस लेट जाऊँ, बस बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था। हो जाता है ओके। और मेरी इनकी भी तबीयत नहीं सही, इनको भी फीवर है। जब दोनों लोग सही हो जाएंगे, एकदम फिट हो जाएंगे, तो रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी ओके। सो बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।